तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना मतलब QR कोड सक्सेसफुली बना लिया, तो दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे बना सकते हो मतलब इस QR कोड को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते वापस हैं। आपका धमाकेदार वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप फ्रीचार्ज का जो भी बिजनेस अकाउंट हो आप कैसे बना सकते हो एकदम आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब होने के बाद से आपके पास ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद से गाइज आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद से गाइज आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, तो आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे इंग्लिश करना है तो मैं यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइज क्या होगा कि आप देख सकते हो कि आपका ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से गाइज आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अलाउ सारा चीज़ करना होगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओनली दिस टाइम अलाउ जो भी आपको करना है आप कर लेना। उसके बाद से गाइज आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। करना है तो आप यहाँ पे लॉग इन विथ मोबाइल के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों मुझे ईमेल से ही करना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों दिखा रहा है कि आपका ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि दोस्तों आपने फ्रीचार्ज का अकाउंट बनाया उससे मैटर नहीं है, आपको रिटर्न टू लॉग इन पर क्लिक करना है गाइज। और उसके बाद से आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि उससे नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गिव परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों जो भी ईमेल आपको देना है आप दे देना, ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन लोकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से गाइस अभी अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद से ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइस क्या करना है आपको यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आगे वाले पे आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना अपना मतलब यहाँ पे बिजनेस नेम डाल लेना, जो भी आपका बिजनेस नेम है। तो जैसे मुझे मेरा यहाँ पे राज प्रजापति डाल के उसके बाद से आपको यहाँ पे आगे वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद से गाइज आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद से फिर आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद से गाइज आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे OTP, जैसे कि मेरा यहाँ पे ऊपर OTP आ चुका, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना OTP डाल लूँगा। OTP डालने के बाद से गाइज क्या होगा आपका ये गोल गोल घूमेगा। उसके बाद से गाइज आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाली है, पासवर्ड डालने के बाद से आपको सिर्फ यहाँ एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइज क्या होगा कि मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा QR कोड बन गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा कि जो मर्चेंट अकाउंट है आपका बन चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से गाइज यहाँ पे अभी अभी ऑफर वाले पे नहीं करना है, क्योंकि उस पर लगेगा ऑफर दिखाने। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ में QR कोड लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू बिजनेस वाले डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइज जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे डाल लेना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे आ गया। जैसे कि दोस्तों आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे डाल लेना है, तो यहाँ पे मैंने देवरिया डाल दिया। उसके बाद से दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे डालने के बाद से क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको बिजनेस कैटेगरी चूज कर लेना। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि मेरा तो यहाँ पे मतलब मेडिकल से है, तो दोस्तों मैं यहाँ से फार्मा वाले पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइज दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर पैन नंबर डालना है, और जिनका पैन कार्ड है उनका यहाँ पे नाम भी डाल देना। तो चलिए मैं फटाफट डालने के बाद से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और IFSC कोड मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों ये फटाफट फिल अप कर ले। मैंने अपना OTP मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे मैंने IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में फ्रीचार्ज वाले 1 रुपया भेजेंगे, जो कि आपका बैलेंस यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों आपको जान जाने कि आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है। ऐड अ प्रोफाइल इमेज टू योर अकाउंट, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अपना मतलब प्रोफाइल शॉप का इमेज करना है तो कर लेना दोस्तों, नहीं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों वो ऑप्शनल है। उसके बाद से ये करने के बाद से दोस्तों आपका क्या होगा कि मतलब जो भी मतलब अगर दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर लेना। दोस्तों चलिए मैं व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन के लिए भी एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्या होगा, जो भी आपका पैसा आएगा आपको यहाँ पे मतलब दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए QR कोड सक्सेसफुली बन चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही आप यहाँ पे सो आर, जैसे ये आपका होम है, उसके बाद से जैसे ही आप सो QR कोड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे QR कोड बन गया एकदम आसानी से। दोस्तों आप एकदम ईजिली बना सकते हो, जैसे कि मैंने स्टेप बाई स्टेप बताया। दोस्तों उसके बाद से देख सकते हो कि गाइज यहाँ पे आपका जनरेट QR कोड पे भी आप करके आप मतलब जो भी आपका अमाउंट है, जैसे आपको 10 रुपये का अमाउंट लेना है, उसके बाद से जैसे जनरेट QR कोड पे क्लिक करोगे तो जो भी दोस्तों आपका यहाँ पे ये स्कैन करेगा उसके में डायरेक्टली 10 रुपये ले लेगा और वो आराम से आपके इसमें भेज सकता है। तो गाइज ऐसे करके आप बना सकते हो। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो चली गई तो